मान लो अंकर भूखा हुआ तो, भूखा हुआ तो नहीं करेगा, शेयर नहीं करेगा, वहाँ आपको ये सब देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चल भाई हर हर महादेव। फटी पड़ी है मगर जो घूम जाता है ना तो तुम्हारे ऊपर हमला कर देते हैं। गुड मॉर्निंग महादेव भक्तों, हर हर महादेव। अब मैं आपको दिखाऊं मैं कहां हूं आज, दिखाऊं मैं, दिखा दो। ये देखो भाई, यहाँ बहुत सारे शेर आते हैं। मान लो अंकर भूखा हुआ तो, भूखा हुआ तो नहीं करेगा, शेर नहीं करेगा, शेर नहीं करेगा, चीता करता है। चीता नहीं, तेंदुआ है, तेंदुआ है ना। तुम कुछ नहीं करेंगे ना तो तुम्हारे ऊपर हमला कर देता है। और शेर यहाँ बैठा है, तुम यहाँ खड़ा रह जाओ, शेर बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा, इसीलिए उसको जंगल का राजा कहते हैं। तो मैं रेडी वेडी होके पीछे आया हूँ, पीछे का नजारा देखने के लिए रिसोर्ट का। ये भैया यहाँ बैठे हैं और ये है स्विमिंग पूल यहाँ पर, और ये है पीछे जंगल, पूरा का पूरा जंगल ही है वो। ये कितने फिट है भैया? ये होगा 3 से 4 फिट होगा, ये 4 फिट है भैया। तो भाई इस स्विमिंग पूल में नहाएंगे हम आज शाम को या फिर कल सुबह, ठीक है। और गिर के जो रिसॉर्ट्स है, किसी भी रिसॉर्ट में आओगे वहाँ आपको ये सब देखने को मिलेगा ही मिलेगा। भाई तेरी बात नहीं कर रहा, हटो आप, ये सब देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बिजनेस करता है क्या तू? क्या हुआ? तू कोई बिजनेस करता है क्या? हुआ क्या है? जा क्यों रहा है, बैठ रहा है ना, जाना तो चाहिए ना। अभी मैं क्या उखाड़ लेगा जाके तू। चल भाई मिलते हैं, बहुत अच्छा लगा, 2 दिन और ट्राई कर वापस आने को अगर ऐसा हो तो। कोशिश कर, ठीक है। महादेव, महाराज महादेव, जय श्री राम, महादेव। चल भाई हर हर महादेव, फोन कर घर पहुंच के। ओके, निकल रहा है फाइनली। अभी भाई आया था मुझसे मिलने, हम 2 दिन साथ में ही थे, शासन ने एक्सप्लोर किया। अभी तो बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, आपने पीछे लोकेशन देखी होगी, या पूरा बताऊंगा मैं तुमको। अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, बाय। इस भाई के निकलने के बाद मैं थोड़ा सा सो गया था, मेरे को नींद आ गई थी, सिर्फ आधा घंटे की नींद आई थी मुझे। मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, ब्लॉग की एडिटिंग करने बैठ रहा हूँ, फिर थोड़ा बाहर जाएंगे, बाहर थोड़ी धूप है यार, फिर जाएंगे बाहर, नज़ारा दिखाएंगे आपको। फाइनली मैं आ गया रूम से बाहर चाय पीने के लिए। अब यहाँ पे आपको अब बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, कितना वहाँ से पहले सनसेट देखो, ये देखो क्या मस्त लग रहा है भाई। ये जो पूरा रिसोर्ट है ये शासन गिर जंगल के बीच में है, और ये बच्चों के खेलने की जगह जो पैक है फिलहाल, और ये यहाँ पे रूम और रिसोर्ट्स वगैरह है। ये देखो फिलहाल मैं उस रूम के अंदर हूँ, चलो लेट्स गो, अंकल जय, अंकल जी से मिलते हैं। तो अभी नींद से उठा ही था, एडिटिंग करने बैठा, अब चाय पीनी है। मैं पहले तो बाहर गया था वहाँ पे, ठीक है, वो निकल गया 2:30-2:00 बजे निकल गया था वो। फिर मैं आके सो गया थोड़ी देर एडिटिंग इधर। हाँ सो गया, नहीं ठीक है। हाँ महाराज, वो महाराज है क्या? हाँ वो महाराज बोलाते है, रसोई वाला है ना। हाँ इसको महाराज बुलाते अच्छा, है ब्राह्मण है क्या? नहीं वो आयर है। अच्छा ओके, आगे भैया अंकल जी ने बोला, भैया कैसे हो भैया, चाय बना दो यार प्लीज। हाँ, चाय बना रहा, थोड़ी सी मस्त कड़क चाय बनाना और थोड़ी ज्यादा मीठी। ओके चाय बनाने भैया, बना दे। ओके, और ये पूरा रिसोर्ट यहाँ पे भाई ने, जो व्यू आ रहा है ना, व्यू अच्छा आ रहा है यहाँ पे। अभी हम जा रहे हैं अंकल के साथ। अंकल कहाँ जा रहे हैं अपन? ओ टेकरी पे जा रहा है, यहाँ से जंगल का नजारा बहुत अच्छा लगता है, जंगल का नजारा बहुत अच्छा दिखेगा यहाँ से। अभी सूरज देखो आप, यहाँ से कितना मस्त दिख रहा है, देखो सनसेट। मिर्ची यहाँ पे होती है और आम होते हैं, तरबूज होते हैं, बहुत सारे। शासन में तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे केसर के आम, वह बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है यहाँ से बाहर, केसर के आम जो राजस्थान में आते हैं। 1500 आम है हमारे खेत में, 1500 आम के पेड़ है। पेड़ है, अंकल से ही बता रहा हूँ, मैं आम खाता नहीं हूँ वरना मैं कूद जाता हूँ वहाँ पे। मैं आम कभी खाता ही नहीं, बचपन से ही नहीं खाया मैंने कभी आम। लगा है अच्छा, मैंने आम कभी खाई नहीं यार। अंकल और कितना है पास में ही? ओके चलो भाई, अंकल लेके आए तो क्या ही कर सकते हैं।
यहाँ से सब जंगल का एरिया दिखाई दे रहा है, पूरा दिखाई देगा जंगल का एरिया। ठीक है, आपको जंगल का एरिया दिखाता हूँ भाई। ट्रैवल करने का एक यही कहते हैं ना वो प्रॉफिट पॉइंट है कि आपको लोकल लोगों से बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। सीरियसली भाई, फाइनली हम पहुँच चुके हैं, तब तक सूरज भगवान भी ढल गए। और दिखाता हूँ मैं आपको जंगल का एरिया पूरा का पूरा। ये आप जहाँ तक जितनी दूर तक देख पा रहे हो कि पूरा का पूरा जंगल का एरिया है और सूरज भगवान ढलने को ही है। ये देखो वहाँ पे रोड है, वो री एरी रोड, और इस साइड पूरा जंगल ही जंगल है। और अंकल बता रहे हैं कि वो मंदिर है वहाँ पे, मंदिर के पीछे से मेन जो मेन जो जंगल का एरिया है वो चालू हो जाता है, लेकिन शेर कभी कभी यहाँ पे आ जाता है। और वो जो रिसॉर्ट में मैं रुका हूँ वो रिसॉर्ट ये रहा, अगर आप कैमरे में दिख रहा है तो ये वो रिसॉर्ट है। बैठते हैं अंकल, थोड़ी देर बात करते हैं, तो तुम लोग नज़ारा देखो यहाँ के। डरना नहीं है, मतलब डरना नहीं, वो तेंदुआ से डरना चाहिए। तेंदुआ वो कुछ नहीं करेगा तो ये उंगला कर देते, तेंदुआ पत्थर लेके फेंको उसके ऊपर, नहीं तो भी नहीं सामने आ जाता है ऐसा। तो क्या करने का, इसको भी दूर चला जाना अपन को। कैसे दूर जाएंगे, इनको कितना भागेंगे, वो तो नहीं आ जाएगा। और आ जाएगा नहीं, वो उसको होगा ऊपर पत्थर वत्थर, तो इसको दूर रह जाएगा, पीछे नहीं आएगा। भाई अभी शाम हो गई है, मतलब सूरज तो पूरा ढल ही गया, अब जा रहे हैं वापस रिसोर्ट पे। लेट्स गो। तो भाई वहाँ से आके मैं यहाँ छत पे बैठा, मुझे वीडियो एडिट करना था, वीडियो एडिट हो चुका है लेकिन पोस्ट करना था इसलिए नेट नहीं चल रहा था, तो ऊपर आके बैठे और अंकल जी भी मेरे साथ आ गए। और अंकल जी ने यहाँ बनाए हमारे लिए, मंगवाए ये नीचे से मक्के, मक्के भिजवाए अंकल ने ताज़ा खेत से लेकर। और हाँ एक सेकेंड, ताज़ा खेत से लेकर है, पीछे उनका खेत है, आपको घर दिख रहा होगा यहाँ से, पीछे लाइट लगी हुई होगी शायद घर पर, हाँ है लगी हुई है, तो वहाँ से खेत है छोटा सा, तो वहाँ से लेके आए अंकल खाते मक्का। तो भाई अभी जा रहा हूँ मैं खाना खाने के लिए, और महेंद्र भाई से ही मिलते हैं, अंकल से ही वापस मिलते हैं। एक भैया और अंकल नीचे आ रहे हैं खाना खा रहे हैं, चले महेंद्र भाई खाना खाने, अंकल जी खाना खा ले करो। तो अभी मैं करने वाला हूँ टॉर्च ऑन जंगल की साइड में, दिखाता हूँ आपको। अरे ये देखो ये रही टॉर्च, अब इसको चालू करते हैं और पीछे का नज़ारा दिखाता हूँ आपको, ठीक है। लेकिन मुझे मेरे मोबाइल की टॉर्च बंद करनी पड़ेगी। अभी हमको थोड़ी देर पहले शेर की आवाज़ आई थी, जहाँ जहाँ तक लाइट जा रही उतना जंगल ही है पूरा। ये तो खेत है, खेत में तो क्या ही आएंगे ना। और ये जो दिख रहे हैं ना आपको तार, इसमें करंट है, झटका झटका फील, बिजली वाला पावर नहीं, थांप ले में झटका वाला। अभी तो लगेगा नहीं, झटका लगेगा, लगेगा चालू है, तेज लगता है थोड़ा, तेज लगे वो। मेरी किस्मत खराब है लेकिन मेरे को दिख नहीं रहा है। बाजरे का पेड़ नहीं, मक्का है, मक्का है, अच्छा मक्का, मक्का है, मक्के का डोडा, अच्छा। सब खेत के मजे अलग ही है मेरे सामने, कर खेत के मजे भाई अलग ही है, रात को बहुत मजा आते है। यहाँ पे आपको प्योर कहते हैं ना भारत देखने को मिलता है अंदर से, मतलब भारत का हार्ट दिल मिलता है यहाँ पे। सुनो सुनो, रुको रुको, जाओ मत, मेरी बात सुनो। अगर आप शासनगीर में आते हो और अगर आप शासनगीर के आसपास कहीं रिसोर्ट में रहना चाहते हो तो नेचुरल हील रिसोर्ट आप आ सकते हो। यहाँ पे मैं नीचे नंबर दे रहा हूँ, उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करने के लिए पहले तो लाल बटन दबाओ, उसके बाद मंदिर का मिलते हैं। बाकी आप सब लोगों का साथ, महादेव का हाथ, जय महादेव, जय महाकाल, जय हिंद, जय भारत।